गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो एज़ यू नो, आवर रिवीजन इज़ गोइंग ऑन बिकॉज आवर सिलेबस इज़ कंप्लीटेड। सो येस्टरडे वी हैव डन द रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो आई होप आपने वो क्वेश्चन आंसर्स वन वर्ड वाले पेयर नोटबुक में लिख लिए होंगे। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई नो आपने ये कर लिया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 2। So, what is the name of our lesson number 2? The name is Structure and Functions of a Plant। तो हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट्स क्या हैं? लिविंग थिंग हैं, है ना? बिकॉज प्लांट्स ब्रीद, प्लांट्स ग्रो एंड प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सो प्लांट्स आर लिविंग थिंग। सो इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा, प्लांट्स, वी ऑल नो दैट प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स, राइट? प्लांट्स से हमें क्या क्या मिल रहा है? वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, मेडिसिंस मिल रही हैं, प्लांट्स की लकड़ी की हेल्प से हम घर बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, ठीक है? तो जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। प्लांट ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स एंड दे ऑल पार्ट्स बेटा सभी एक साथ मिलकर प्लांट को हेल्प करते हैं लिविंग में एंड ग्रो करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्लांट इज डिवाइडेड इनटू द बेटा 2 पार्ट्स, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। ये 2 सिस्टम में प्लांट को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शूट सिस्टम के बारे में या रूट सिस्टम के बारे में, तो रूट तो हम सबको पता है कि ग्राउंड के नीचे जो प्लांट का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स। और जो बेटा ज़मीन से ऊपर वाला पार्ट होता है जिस पे ब्रांच, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर्स ये सब ग्रो करते हैं, वो होता है हमारा शूट सिस्टम। शूट में हमारे स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स, लीव्स ये सब आते हैं और रूट सिस्टम में खाली रूट्स आते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है प्लांट का। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रूट बेटा। द प्लांट, द पार्ट ऑफ प्लांट जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है वो होती हैं रूट्स। रूट्स आर ऑफ बेटा 2 टाइप, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। देखो बेटा, टैप रूट क्या होता है? इट हैव अ सिंगल मेन रूट दैट ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द सॉइल एंड फाइबरस रूट देर आर नंबर ऑफ थ्रेड लाइक रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड। तो सबसे पहले टैप रूट के बारे में बात करें तो दिस टाइप ऑफ रूट हैव ओनली 1 थिक मेन रूट बेटा जो ग्रो करती है बॉटम, मतलब जो स्टेम का बॉटम होता है उससे। इसका एग्जाम्पल है जैसे कैरेट आ गया, रेडिश आ गया, ग्राम, टर्निप, ठीक है? और अगर आप देख सकते हो टैप रूट के साइड में बहुत सारी थिन रूट्स होती हैं जो मेन रूट के अंदर से ग्रो करते हैं। इनको हम साइड रूट्स बोलते हैं या फिर रूट हेयर्स भी बोलते हैं। देखो आप जैसे इस पिक्चर में कैरेट की पिक्चर देख पा रहे थे, कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा टैप रूट के। अगर हम बात करें फाइब्रस रूट के बारे में तो फाइब्रस रूट क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ थ्रेड लाइक रूट्स जो ग्रो करती हैं डाउनवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और ये जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो बहुत सारे थ्रेड लाइक रूट्स हैं और इसकी बुशी अपीयरेंस होती है, ठीक है? इसके कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे ऑनियन, वीट, राइस, ग्रास, ये क्या होते हैं? फाइब्रस रूट होते हैं, ओके? नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ रूट। सो बेटा रूट क्या करती है? रूट होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल, ठीक है? तो ये रूट फिक्स रखती है प्लांट को सॉइल से। द टाइनी हेयर्स ऑन द रूट बेटा, जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और विदाउट रूट अगर प्लांट अगर हम बात करें तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि प्लांट तो स्टैंड ही नहीं हो पाएगा रूट के बिना, है ना? प्लांट होल्ड द सॉइल बेटा एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। रूट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड गिव टू द प्लांट सो दैट इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। रूट्स ऑफ प्लांट लाइक बेटा कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट, ये क्या करते हैं? अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं, ठीक है? और इन्हीं रूट्स को हम खाते हैं, राइट? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बेटा स्टेम। सो प्लांट्स, वी ऑल नो द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट एंड प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम बेटा।
ठीक है, द पार्ट ऑफ प्लांट द शूट बियर्स लीव्स बर्ड फ्लावर फ्रूट इन द स्टेम. ये सॉफ्ट भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है और वुडी भी हो सकती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अ कोरिएंडर प्लांट बेटा है, इसकी बहुत सॉफ्ट और ग्रीन कलर की स्टेम होती है. कोरिएंडर, मिल्क, राइट, दीज हैव सॉफ्ट स्टेम, राइट. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बेटा लाइक द प्लांट्स बनियन एंड मैंगो ट्रीज. ठीक है, तो जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, इनकी बहुत हार्ड और बहुत थिक स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं. ठीक है, दे इनकी जो स्टेम होती है बेटा वो बहुत स्ट्रांग होती है और इसी वजह से ये प्लांट्स आसानी से गिरते भी नहीं. सम प्लांट्स हैव वेरी थिन स्टेम एंड वीक स्टेम बेटा, लाइक द मनी प्लांट. ठीक है, और ऐसे प्लांट्स को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए, और ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं. ठीक है, द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट, ग्रेप, पम्पकिन, इनको हम क्लाइंबर बोलते हैं क्योंकि ये बहुत वीक स्टेम होती है इनकी और इनको हमेशा सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए. ठीक है, इन सम प्लांट्स बेटा द स्टेम ग्रो बिलो द सॉइल ऑल्सो, जो अपने अंदर फूड स्टोर करके रखती है. ठीक है, लाइक पोटैटो. ठीक है, इनको हम अंडरग्राउंड स्टेम्स बोलते हैं और इनको हम खाते भी हैं. पोटैटो को तो सभी कितना खुश होकर खाते हैं, राइट. सो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक आर सम अंडरग्राउंड स्टेम्स. ओके बेटा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड और ये हमारी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्टेम और द शूट. देखो बेटा, जो स्टेम होती है इसका सबसे मेन फंक्शन तो यही है कि हेल्प करती है प्लांट को सीधा खड़े रहने में. तो द स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट, द स्टेम हेल्प मोस्ट प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट. द स्टेम कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. ठीक है, जो स्टेम है वो कैरी करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को. स्टेम ऑल्सो कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, एंड बेटा इन सम प्लांट्स सच एज पोटैटो एंड जिंजर द स्टेम इज अंडरग्राउंड एंड इट स्टोर्स फूड इन इट एंड वी ऑल्सो ईट देम. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लीव्स. सो बेटा, द लीफ इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज आउट ऑफ द स्टेम. लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट एंड देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, राइट. हर प्लांट की एक अलग शेप होती है, लीव की अलग साइज होता है, राइट. सो मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम बेटा. उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और मोस्ट लीव्स जो होती हैं इसीलिए हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. जो लीफ होता है उसका बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं बेटा. लीफ ब्लेड जो ग्रीन और फ्लैट कलर का पार्ट हमें दिखाई देता है. देन बेटा मिड रिब. ठीक है, जो मिड रिब होती है बेटा ये थिक वेन होती है जो रन करती है लीफ के मिडल में से. देन द मेन वेन्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड द वेन्स. ठीक है, जो ये ट्यूब्स होती हैं स्मॉल ट्यूब्स जैसे आपको दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं वेन्स. तो लीफ ब्लेड को हम लेमिना भी बोलते हैं. ये फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का बेटा जो हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड. ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, दिस इज द लेमिना और द लीफ ब्लेड, एज यू कैन सी ऑन द बोथ साइड, अपर साइड एंड द लोअर साइड. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वेन्स. सो बेटा, वेन्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑन द लीव्स देर आर मैनी स्मॉल ट्यूब्स रनिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द लीव. मगर ये सब किससे कनेक्टेड है, मेन वेन से. तो द लाइन इज रनिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द लीव इज कॉल्ड मेन वेन, स्टोमेटा. नेक्स्ट बेटा स्टोमेटा, द लोअर साइड ऑफ द लीव हैज़ मैनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. और जो ये टाइनी पोर्स होते हैं बेटा इनको हम नेकदाई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. स्टोमेटा हेल्प करता है प्लांट को टू टेक इन एयर एंड गिव आउट एयर. ओके, सो टुडे वी विल टॉक ओनली अबाउट दिस, टुमोरो वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लीव एंड अबाउट द सीड्स. ओके, जस्ट रीड टिल हेयर बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.